हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिज़ाइनर रज़ी। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बहुत ही खूबसूरत सा आरी एम्ब्रॉयडरी डिज़ाइन बनाना सिखाऊंगा। सो फ्रेंड्स, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत लगा इस वीडियो को बनाने में। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिए और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। सो फ्रेंड्स, हमें सबसे पहले एक नीडल लेना है बीट्स को स्टिच करने वाला। मेरे पास में जो अभी नीडल है ये 8 mm का है। ये बीट्स स्टिच करने के लिए बहुत ही अच्छा होता है। सबसे पहले इस तरह से बीट्स हमें सुई में नीडल में भर लेने हैं। उसके बाद हमें इस तरह से लाइन में हमें स्टिच करना है। देखिए इस तरह से। भी आप किसी भी तरह का मटेरियल को आप स्टिच करते हो तो सुई को हमेशा सीधा रखना है। इस तरह से हमें कभी सुई को टेढ़ा नहीं करना है। नीडल को टेढ़ा करने से आपका बैलेंस बिगड़ जाएगा और कोई भी मटेरियल आप जब स्टिच करोगे तो आपको स्टिच करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगा। तो कभी भी आप किसी भी मटेरियल को आप स्टिच करो तो नीडल हमेशा आप सीधा रखने की कोशिश करो ताकि कोई भी मटेरियल आप स्टिच करो तो आपको बहुत ही आसानी के साथ में आप स्टिच कर सको। सो फ्रेंड्स, जिस तरह से हम मटेरियल स्टिच करते हैं उसी तरह से हमें पक्का भी करना बहुत ज़रूरी होता है। जब कोई भी आप तो वर्क को एंड होते ही आपको इस तरह से पक्का करना ज़रूरी है। जिस तरह से मैंने इधर 3 लाइन आउटलाइन किया है उसी तरह से दूसरे साइड भी मैंने 3-3 लाइन आउटलाइन किया है। अब हमें दूसरा बीट्स लेना है। ये जो बीट्स है एंटी कलर का है, इसे भी हमें उसी तरह से भरना है जिस तरह से मैंने येलो कलर का जो है बीट्स मैंने भरा है। अब हमें ये 3 फ्लावर्स में आउटलाइन करना है। देखिए इस तरह से हमें आउटलाइन करना है। मैं बहुत ही आसानी से आपको बताने की कोशिश करूँगा ताकि आप बहुत आसानी से सीख सको देख करके। थ्री फ्लावर्स की आउटलाइन हो जाने के बाद अब हमें यहाँ पे लोड स्टिच करना है बीट्स का इस तरह से। सबसे पहले हमें 2 गिराना है, उसके बाद फिर 3 या 4 आप गिरा सकते हो जिस तरह से मैंने अभी 4 गिराया है। और उसके बाद इसमें जो जगह होता है छपाई का, तो छपाई के हिसाब से ही आपको गिराना होता है ज़्यादा। अगर आपका छपाई जो है अगर कम हो तो कम गिराइए, अगर ज़्यादा चौड़ा छपाई हो तो उसमें छपाई के हिसाब से आप ज़्यादा भी गिरा सकते हैं ताकि छपाई ना दिखे। तो हमें इस तरह से स्टिच करते जाना है।
अब हमें इस तरह का दो तार का नीडल लेना पड़ेगा। अब हमें सिल्क थ्रेड से लोड स्टिच करना है। ये देख लीजिए, ये इस तरह का नीडल आता है दो तार का। अभी मैं सबसे पहले पिस्ता कलर जो आता है, पोप्टी कलर भी हम लोग इसे बोलते हैं, इस तरह के कलर का थ्रेड मैं यूज़ कर रहा हूँ अभी लोड स्टिच करने के लिए। तो इस तरह से हमें लोड स्टिच करना है। अब हम रेड कलर सिल्क थ्रेड का यूज़ करेंगे। उसी तरह से अब रेड कलर में भी हमें लोड स्टिच कर लेना है। इसी तरह से हमें जो भी पत्ती बाकी अभी दिख रहा है खाली है, तो उन सब में इसी तरह से हम स्टिच कर लेंगे रेशम दोनों कलर का। अब हमें इस तरह का गोल्डन सादी दबका लेना है और इस तरह से हमें आउटलाइन करना है पूरे में, और रेशम के अंदर में भी हमें आउटलाइन करना है। तो अब हमें इस तरह से सादी को पकड़ के, और जो हमारा नीडल है नीडल के हिसाब का ही, जितना बड़ा नीडल का साइज़ है उसी हिसाब से हमें टुकड़ा काट लेना है छोटे छोटे। तो चलिए काट के दिखाता हूँ मैं आपको। इसी तरह से आपको काट लेने हैं। और इस तरह से हमें नीडल के अंदर में भर लेना है इसे। इस तरह से हमें दो तीन टाँका एक्स्ट्रा ले लेना है ताकि स्टिच करते वक्त कोई प्रॉब्लम ना हो। इस तरह से हमें स्टिच करते ही जाना है। सो फ्रेंड्स, अब हमें येलो वाले लाइन में स्टिच करना है। तो मैंने ले लिया है 2 mm गोल्डन चल्ली और 3 mm वाइट पर्ल। अब हमें नीडल में इस तरह से भर लेना है। पहले एक चल्ली लेना है, फिर वाइट पर्ल लेना है, फिर एक चल्ली, फिर वाइट पर्ल। इस तरह से हमें पूरा सुई को भर लेना है। उसके बाद हमें इस तरह से स्टिच करना है, जिस तरह से मैंने आपको पहले भी बताया था कि थ्रेड जो मैंने स्टिच किया है उसी हिसाब से, उसी तरह से हमें ये भी स्टिच करना है।
सो फ्रेंड्स, इसी तरह से हमें जहाँ भी येलो लाइन दिख रहा है वहाँ हमें इस तरह से स्टिच कर लेना है। सो फ्रेंड्स, अब बाहर का पूरा काम हो गया है, अब हमें फ्लावर्स के अंदर में स्टिच करना है। तो मैंने तीन कलर का एंकर थ्रेड ले लिया है, एक पिस्ता कलर है, एक येलो है और एक रेड कलर है। तो ये तीनों कलर हमें एक एक फ्लावर्स के अंदर में स्टिच करने हैं, जो कि फ्रेंच नॉट से हम स्टिच करेंगे। तो सबसे पहले मैं पिस्ता कलर का एंकर ले रहा हूँ और उसके बाद एक फ्लावर्स के अंदर में हम इसको स्टिच करते हैं। इस तरह से हमें डबल घुमाना है सुई के अंदर में और ये रिंग नॉट बन जाएगा। ये देखिए, इस तरह से बहुत ही आसान है, बस आपको ध्यान से देखना है और प्रैक्टिस करना है, तो बहुत ही आसानी के साथ आप सीख सकते हो। देखिए, इस तरह से हमें डबल घुमाना है और फिर हमें रिंग नॉट स्टिच कर देना है। इसी तरह से हमें सारे पत्तियों को भर देने हैं। हेलो फ्रेंड्स, अगर आप हमसे बात करना चाहते हैं तो आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप आरी वर्क, जरदोशी वर्क का ऑर्डर देना चाहते हैं या किसी भी फैब्रिक पे आप वर्क करवाना चाहते हैं तो आप हमसे व्हाट्सएप के ज़रिए भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पर दिखता होगा। सो फ्रेंड्स, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा ना हो जाए, इसी वजह से मैंने वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर दिया है। सो फ्रेंड्स, इस तरह से आपको स्टिच कर लेना है। अब हमें रेड कलर के अंदर में येलो कलर का स्टिच करना है, तो चलिए ये भी कर लेते हैं।
सो फ्रेंड्स, ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए क्योंकि इस वीडियो को बनाने में मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत लगा है। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिए, जिनको इस वीडियो का रिक्वायरमेंट हो उन तक ये वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में।